स्पेशल पर्सन शाहिद अली जो रेफ्रिजरेटर ठीक करने का काम करता है। दो माह के दौरान इसने अपने साथी खरादिए की मदद से पाकिस्तान में अपनी नवीयत की पहली गाड़ी मार्केट में तैयार कर दी। तखबई की मुख्तलिफ सड़कों पर चलने वाली 150 सीसी की एक गाड़ी शाहिद अली ने बनाई है जो 1 लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर का सफर तय करती है। मुझे क्योंकि गाड़ी चलाना नहीं आती, इसीलिए मैंने ये जो है ना ये फैसला किया था कि मैं इंशाल्लाह अपनी गाड़ी बना के इस पे जो है ना ड्राइविंग सीखूंगा। मुकामी मार्केट से कबाड़ में 150 सीसी का रक्शा खरीद कर इसने अपने साथी की मदद से 18 और 14 गेज की चादर से गाड़ी की बाड़ी बनाई। शायद ने कायद अजम मोहम्मद अली जना के इस्तेमाल गाड़ी से मिलती जुलती गाड़ी बनाकर बाबा कौम से अपनी मोहब्बत का भी सबूत दिया। अगर हमारी ये ख्वाहिश थी एक गाड़ी बनाए, गाड़ी तैयार करने का आगाज किया और आज अल्लाह के करम से गाड़ी सड़कों पर दौड़ रही है। मैट्रिक तक तालीम हासिल करने वाले शाहिद अली ने गाड़ी में मोटरसाइकिल के पहिए लगाए हैं और वो इसे एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करने का ख्वाहिशमंद है। स्क्रिप्ट में उसके कागजात हैं लेकिन हमने उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्साइज वालों से अभी बात करनी है, उसको दरख्वास्त करना है कि इसमें इसकी बॉडी जो है ना इसमें चेंजेस कराए कागजात में, तो ये लीगल हो जाएगा। अपनी नवीयत की इस अनोखी गाड़ी की तैयारी पर सिर्फ 1,20,000 रुपए की लागत आई है जिसे देखने के लिए मुकामी अफराद के साथ साथ दूर दराज से भी लोग आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ज़हीन और बासलियत नौजवानों की कोई कमी नहीं जिनको अगर ज़रा सी तवज्जो दी जाए तो वो शाहिद अली जैसी तहरीकात करके मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद हयात के साथ मुसरतुल्ला, दुनिया न्यूज़, तखबई।